सुप्रीम कोर्ट के साथ जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को 57 साल पुराने उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा पाने का अधिकार उसके पास नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की गई थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। शनिवार को सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ की खैर विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे जहां मुख्यमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने इसका जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत के संसाधनों से बनने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है लेकिन मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए, कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है, क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के साथ जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े 57 साल पुराने उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा पाने का हकदार नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की गई थी। संविधान पीठ के इस फैसले के बाद अब 3 जजों की पीठ ये तय करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है या नहीं। इसके अलावा रैली में सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 को लेकर पास हुए प्रस्ताव पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा। सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है कि जम्मू कश्मीर में फिर से 370 की बहाली की जाएगी। आपकी भावना के साथ राष्ट्र एकता और अखंडता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कश्मीर को एक बार फिर से मजहबी उत्माद के कोड़ में बदलने का कुत्सित प्रयास हो रहा है।